सो हेलो गाइस, कैसे सर हूँ तुमसे बहुत ही अच्छे हूँ। तो भाई अभी मैं आपको एक न्यू इवेंट आने वाला है, इसके अंदर जो बंडल्स एंड जो ग्लूअल्स वगैरह है ना, सारा कुछ यहाँ पर यूनिक होने वाला है, जो कि पहले कभी भी आपको देखने को गेम में नहीं मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ मैं आपको गेम प्ले करके दिखाऊंगा। एंड इवेंट का जो नाम है यहाँ पर एम्परर रिंग इवेंट पे आएगा, मतलब यहाँ पर डायमंड देखिए आपको स्पिन करना पड़ेगा। इवेंट आएगा इस महीने की 8 मई को। यहाँ पर जो मेन बंडल जो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पर एम्परर न्यू क्लॉथ्स नाम है इसका। तो इस बंडल का एक खास बात यह है कि यहाँ पर ये बंडल दो बंडल में स्विच होता रहता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नॉर्मली मतलब अगर आप लॉबी वगैरह पे खड़े रहोगे तो ये स्विच होता रहेगा, लेकिन जैसे आप गेम पे जाओगे ना तो ये रन करने पर बस स्विच होगा। मतलब एक बार रन करने स्टार्ट करोगे तो ये एक बार स्विच होगा, जैसे स्टॉप कर दोगे तो फिर से रन करने स्टार्ट करोगे तो फिर से एक बार स्विच होगा। मतलब एक बार रनिंग पे एक बार ये स्विच होता है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक रनिंग कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद अनलिमिटेड स्विच नहीं होगा। मतलब यहाँ पर एक बार रनिंग पे एक बार स्विच होगा, जैसे बंद करके फिर से रन करने स्टार्ट करोगे, कोई भी रीजन हो सकता है वो बंद करने का आपका, जैसे कि हो सकता है आप कहीं पर एक सेकंड के लिए खड़े रहेंगे, कहीं पर लूट रहे हो, कहीं पर जॉयस्टिक यूज कर लिए थोड़ा सा टाइम के लिए, तो ऐसे टाइम पे ये ऑफ हो जाएगा। एंड जैसे फिर से रनिंग करने स्टार्ट करोगे तो फिर से ये स्विच एक बार होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ग्लू वॉल है, जो कि यहाँ पर आप किस दिशा से देख रहे हो इसको तो उस हिसाब से यहाँ पर ये चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, अगर मैं कैमरा एंगल रोटेट कर रहा हूँ या फिर इधर उधर जा रहा हूँ थोड़ा, तो यहाँ पर ये जो ग्लू वॉल है वो कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो सारा कुछ। एंड लास्ट यहाँ पर आपको एक स्पोर्ट्स कार के स्किन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला स्किन है यहाँ पर, इसका डैमेज प्लस है, डैमेज रिडक्शन प्लस है, सिंगल प्लस है सारा कुछ, एंड सिंगल यहाँ पर हैंडलिंग माइनस है। हैंडलिंग मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा आपका जो गाड़ी है, मतलब जो स्पोर्ट्स कार है वो हैंडल करने में। ठीक है, मतलब जो आप इधर उधर जाते हो ना, थोड़ा राइट लेफ्ट इधर उधर मोड़ते हो तो उसको मुड़ने थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब उतना डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, मैंने यूज करके देखा भी है। एंड लास्ट यहाँ पर एक बैनर एंड अवतार उस इवेंट पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें भी आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे इफेक्ट्स इसके अंदर भी। तो आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे सारा कुछ काम करता है, सारा कुछ मैंने आपको गेम प्ले करके दिखा दिया है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा आइटम इनमें से बेस्ट लगा है। एंड तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा।